अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर ये पूरी तरह से धार्मिक होता तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन ये पूरी तरह से राजनीतिक है। बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? मंदिर निर्माण पूरा होने से पहले प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को 2024 के आम चुनाव के कारण ये तारीख क्यों तय की गई है? इस पर लोगों को आपत्ति है। भगवान राम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। होता, शुद्ध रूप से धार्मिक होता तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि इसका पूरा स्वरूप राजनीतिक है, इसलिए ये बातें आ रही। आप राम जी के अधूरे मंदिर का निर्माण पूर्ण होने के पहले राम नवमी के लिए भी बिना रुके 22 जनवरी के लिए क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि चुनाव आने वाले 2024 के चुनाव ने ये तारीख किस लिए चुनी गई, 22 जनवरी की तारीख? जिन कारणों से ये तारीख चुनी गई और जिस प्रकार से इसको किया जा रहा है उसकी आपत्ति है। राम जी को किसकी आपत्ति हो लेकिन सकती है? पीसीसी यूपी